मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने खुद जज को जाके झूठ बोला कि मार भी पड़ी और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा अपने हाथों से। और मैं जो कहती थी वो अपनी मर्जी से कहती थी, कोई नशा वगैरह नहीं दिया जा रहा था, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा। मेरी बच्ची को, 14 साल की बच्ची है, उसको नीचे गद्दी रखी हुई है, सबकी आंखें खुली हुई है ना, इतनी चौड़ी सी गद्दी रखकर उसके ऊपर मेरी बेटी बिठाई हुई, क्यों बिठाई हुई आपने, जो है उसने बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटिटी रूम। दुआ ज़हरा केस एक बहुत ही अब इंटरेस्टिंग मरले में शामिल हो गया है कि दुआ ज़हरा और उनके शोहर ज़हीर का एक बाकायदा इंटरव्यू बनाकर एक यूट्यूबर माहम की जानब से अपलोड किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उसके बाद उनकी वालदा का भी अब जो है वो इंटरव्यू बनाकर यूट्यूबर की जानब से अपलोड कर दिया। वालदा की जानब से बहुत गम और गुस्से का इजहार किया गया, काफ़ी गुस्से में उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। और जो दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू हुआ है उसमें भी बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं। वो बातें जो उनके वालिद की तरफ से बताई गई थी वो सारी की सारी झूठ साबित हुई है। दुआ ज़हरा अब मुकम्मल तौर पर अपने घर वालों के ख़िलाफ़ है। क्या दुआ ज़हरा और ज़हीर के इंटरव्यू में बातें हुई और क्या बातें उनकी जो वालदा का बाद में इंटरव्यू है उसमें क्या बातें हुई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी दुआ ज़हरा और ज़हीर का जो इंटरव्यू एक माहम नामी यूट्यूबर है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। बहुत से ऐसे सवाल उस इंटरव्यू में पूछे गए हैं। यहाँ पर एक सवाल जो उनसे ये पूछा गया कि कोर्ट के बाहर बाद जो है उनके जब वालिद से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने वालिद से क्या कहा था, तो दुआ ज़हरा ने कहा कि मैंने अपने वालिद से ये नहीं कहा था कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, मेरे वालिद साहब ने झूठ बोला और मुझ पर प्रेशर डाला कि मैं जाकर जज साहब को स्टेटमेंट दूँ। जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं मेरे वालिद साहब ने बनाई, तमाम यूट्यूबर को दी, वो तमाम फेक बातें हैं, ऐसी कोई भी वहाँ पर बात जो है वो नहीं हुई। दुआ ज़हरा ने ये भी कहा कि ये कोई गैंग नहीं है, जो जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुझे अगवा किया है, जो ज़हीर जो है एक गैंग का सरगना बना बैठा है, तो ये तमाम की तमाम खबरें जो है फेक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज़हीर से जो है एक पसंद की शादी की है, मुझे इससे सच्ची मोहब्बत है और कुछ नहीं है, तमाम की तमाम जो है अफवाहें हमारे बारे में जो है फैलाई जा रही है। ज़हीर ने भी बताया कि वो इतने पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं कि वो जहाज़ की टिकट करा के जा रहा है। तो ज़हीर ने कहा कि मेरा जो है मोबाइल की सेल्स का बिज़नेस है, तकरीबन मैं 70 से 90 हज़ार पर मंथ जो है वो कमा लेता हूँ, तो मेरी इतनी इनकम है। तो भाई उसको देख के तो ऐसा नहीं लगता उसकी इतनी इनकम है। बहरहाल ये इंटरव्यू में जो है और कहा गया, और ज़हीर की जानब से भी ये भी कहा गया कि हम अब पाकिस्तान छोड़कर जो है वो बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर हमें जो है वो जीने नहीं देंगे। ऐसे बहुत से इंकशाफात जो है वो इस इंटरव्यू में किए गए। उसके बाद उनकी वालदा का जो इंटरव्यू है वो काफ़ी गुस्से भरे से उनका इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस यूट्यूबर को शर्म करनी चाहिए कि मेरी बेटी को एक हैवी मेकअप करके, एक हैवी ज्वेलरी पहनाकर, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करके, इतनी बड़ी गद्दी रख के ये यूट्यूबर जो है मेरी बेटी को पेश कर रही है कि वो 18 साल से बड़ी नजर आए। पेश करना है तो उस तरह पेश करो ना जिस तरह मेरी बेटी है। और ये भी कहा जब वो अदालत में लाई जाती है तो दो दो चादरें डाल कर लाई जाती है, नकाब करके लाया जाता है, और जब आप यहाँ पर ऐसे यूट्यूबर यूट्यूब पर बैठाते हो तो इतना मेकअप करके बैठाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कहा गया है उनकी वालदा की जानब से। और ये भी कहा गया है कि मेरी बेटी अगवा हुई है, ये शादी नहीं है, मेरी बेटी 14 साल उसकी एज है, उसने अभी मैट्रिक भी क्लियर नहीं की थी, अब मैं किस तरह उसकी शादी करवा दूँगी, अगवा हुई है। और तमाम ये जो इंटरव्यू है ये फेक इंटरव्यू है, और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने जो इंटरव्यू दिया है वो एक साइड पर देख रही थी, उसे कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रही थी। तो ऐसे बहुत से इंकशाफात जो है वो दोनों इंटरव्यू में जो है वो किए गए हैं। और उनकी वालदा की जानब से ये कहा गया है कि दुआ ज़हरा के वालिद ने जो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि दुआ ज़हरा हमारे साथ जाना चाहती है, वो बिल्कुल सच है। जब दुआ ज़हरा ने ये चाहती है तो उसी वक्त एक वाइट कपड़ों में वाइट कपड़े पहने हुए एक शख्स आया और मेरी बेटी को ले गया और कहने लगा कि दुआ ज़हरा आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। इस तरह के बहुत से इंकशाफात जो है वो इन दोनों इंटरव्यू में जो है वो किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा ये केस जो है अब इंटरेस्टिंग मरहले में शामिल हो गया है। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन जो भी हो रहा है वालदैन को दुख देकर, वालदैन को इतनी मुश्किलों में डालकर अगर ये मोहब्बत मिले तो ऐसी मोहब्बत से अल्लाह माफ़ी।